हेलो गाइस, मैं सुब्रतो। वेलकम टू सिंह टेलीकॉम। सिंह टेलीकॉम में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे चेक कर सकते हैं आप पीएनपी एनपीएन, और ट्रांजिस्टर की कितने टाइप होती है, और ट्रांजिस्टर के बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। ट्रांजिस्टर के वर्क क्या है, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मेरे पास एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर ये 61 मदरबोर्ड है। 61 मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखा दूँ। ट्रांजिस्टर जो है ये देख सकते हो आप, थ्री लेग का, सॉरी थोड़ा सा मैं, हाँ ये थ्री लेग का, और ये वाला ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है। तो हर मदरबोर्ड में आपको ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के सबसे पहले प्रैक्टिकल, उसके बाद थियरी प्रैक्टिकल दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो वर्क क्या है, उसको वर्क सबसे पहले इसका टाइप क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर जो बनते हैं दोनों डायोड का मिला के आपका जो ट्रांजिस्टर क्या है बनाया जाते हैं, दोनों डायोड को मिला के क्या करते हैं ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। और आज इस कंपोनेंट को जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही है, आईसी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इसके वजह से ज़्यादातर हो गया है, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ट्रांजिस्टर का। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर का बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर की जो फुल इंफॉर्मेशन है, ट्रांजिस्टर का डिनोटिंग लेटर है क्यू, और क्यू से आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेंगे, डाटा शीट भी देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही इसको मिलेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का दो टाइप का होता है। ट्रांजिस्टर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है ट्रांजिस्टर, ये है बेस, बेस इमिटर कलेक्टर, आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर ऐसे होता है। ये लेफ्ट साइड होता है इमिटर और कलेक्टर, राइट साइड में और ये मिडिल में ये बेस होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर इस तरह देखने को मिलता है, और इसके बाद ट्रांजिस्टर का जो दोनों डायोड से मिलाकर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद ट्रांजिस्टर टू टाइप का होता है, बाइपोलर और फील्ड इफेक्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइपोलर की। जो बाइपोलर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पीएनपी और एनपीएन, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर का है, इसको कैसे आप इजीली चेक कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके बाद ट्रांजिस्टर का वर्क्स कैसे कैसे काम करते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं, इसका कंडीशन क्या है, तो सभी मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास एक मल्टीमीटर, आप देख सकते हो ये मल्टीमीटर, और इसके बाद एक मेरे पास एक मदरबोर्ड है, ठीक है, एक मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड के जो जो लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इधर, तो देख सकते हो ये है ट्रांजिस्टर, और इसको हम करेंगे चेक, ये भी देख सकते हो। हाँ, तो इसको क्या कैसे चेक करेंगे, तो इसको कंटिन्यूटर मोड को क्या करना है आपको, इस कंटिन्यूटर मोड पे लेके आना है ये इसको पॉइंट को, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बीप साउंड आपको थोड़ा सा सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो बीप साउंड। तो किसी भी पोर्ट को कहीं भी आप लगा सकते हो, तो मैं सबसे पहले इस चंडिस को मापने वाला हूँ, तो इसको इधर लगाया हूँ, और इसके बाद ये इस साइड लगाया है, चल कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, इसको मैं इधर लगाया, ये भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको पलट के एक बार क्या करना है, उसको देखना है पलट के, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये सॉरी, हाँ देख सकते हो 554 और ये 1867 ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो मतलब इसका जो क्या है, इसका बेस है, ये बेस है, और बेस के साथ कनेक्ट होता है दो इमीटर कनेक्ट होता है और कलेक्टर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको सबसे पहले दिखा दूँ, इसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू दिखा रहा है 561 इसका जो जीआर है, ग्राउंड वैल्यू है, और 1.869। तो इसका और एक पॉइंट है जो
जिस पॉइंट से दोनों साइड का वैल्यू दिखाई देंगे उस पॉइंट का क्या होगा उसका बेस। तो इसका ये है बेस, अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये है इसका इसका बेस, ठीक है। इसके बाद जो ज़्यादा वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादा वैल्यू वाला क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू वाला आपका, ज़्यादा वैल्यू कम वैल्यू का जो डिफरेंस है आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़्यादा वैल्यू जो दिखाएंगे उसका होता है इमेज। तो ये है एक ट्रांजिस्टर है, इसको भी सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कंटिन्यूटी का बी पॉइंट आ गया, आप देख सकते हो बी पॉइंट आ गया, इसके बाद वैल्यू आ रहा है, जी आर आ रहा है। तो इसको क्या करना है, एक साइड पे मैंने इसको रेड प्रूफ लगा दिया, इसके बाद एक साइड कंटिन्यूट आ रहा है 287 और एक साइड 287। आपको मिनिमम 5 सेकेंड आपको क्या करना है, रोक के रखना है वैल्यू का इसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो ये हो गया है बेस और ये कलेक्टर इमिटर। इसके बाद क्या करता है, जिसका जो वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो कलेक्टर होता है। आप अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये कलेक्टर है और ये इमिटर है, आप देख सकते हो 287 था और ये भी। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होंगे वही क्यों होंगे, क्या होंगे, वो कलेक्टर होंगे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका वैल्यू हाई होंगे। तो इसी तरह आप ट्रांजिस्टर को आप सबसे पहले इसको चेक कर सकते हो, इसका काम क्या है। सबसे पहले इसका जो काम है स्विचिंग का, ये काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करते हैं, कोई सर्किट या कोई भी डिवाइस को क्या करते हैं, ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, डिजिटली जो ऑन ऑफ होते हैं ऑन ऑफ करते हैं। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, रेगुलेटर का भी काम करता है, मतलब जो रेगुलेटर का जो काम करते हैं, जो साउंड वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, हाई वैल्यू ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस लो, जो ये इस तरह जो काम होता है रेगुलेशन का जो काम होता है, रेगुलेशन का काम करता है। एम्पलीफायर का भी काम करता है, सिग्नल को साउंड को एम्पलीफायर करता है, सिग्नल का भी करता है और साउंड का भी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल स्विच, जो डिजिटल स्विच होता है ऐसा कुछ ना, जो स्क्रीन टच जो डिजिटल स्विच होता है, डिजिटल स्विच का भी काम करता है और क्या करता है, डिवाइस को कंट्रोल करता है। कोई भी डिवाइस को, मान लीजिए ये है डिवाइस, कोई भी डिवाइस को आसपास अगर आप स्विचिंग का काम कराते हैं, करना चाहते हो, ऑन ऑफ करना चाहते हो, तो ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करते हैं, ये है आपका। तो अगर इसके अंदर अगर ज़्यादा वैल्यू डिफरेंस आएंगे तो ये बहुत ही खराब कंडीशन में होंगे। तो आज सबसे पहले और कुछ बता दूँ, इसके बाद मैं और एक बार आपको क्या करेंगे, इसको बोर्ड की बाहर से इसको निकाल के करूँगा चेक। तो इसका हो गया है बेस, इमिटर, कलेक्टर। इसका जो है अगर आप इस तरह अगर आप चेक करेंगे तो इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर दोनों पॉइंट पे वैल्यू आए तो ये है बेस, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे वैल्यू आए तो ये है बेस, अगर इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट में का कंटिन्यूटी आई या जी आर आए तो ये है बेस। तो इसका मतलब बेस कोई फिक्स नहीं है कि इस तरह बेस, ये इमिटर और ये कलेक्टर, ये कोई फिक्स नहीं है बेस अगर आप तो फाइंड कर लिए। इसके बाद आप क्या फाइंड करके कलेक्टर के, जिसका जो लो कंटिन्यूटी और हाई रेजिस्टेंस, जिसका कंटिन्यूटी क्या होगा, लो मतलब कम, जिसका कंटिन्यूटी कम लो कंटिन्यूटी होगा वो है कलेक्टर, और जिसका कंटिन्यूटी हाई होगा वो है आपका इमिटर। तो इसके बेस से आपको चेक करना है, अगर इसके अंदर आपको जी आर कम दिखाई दे रहा है तो यह है कलेक्टर, अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो यह है एमिटर। तो ये भी इधर उधर हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, इसका काम मैंने आप लोगों को बता चुका है। इसके बाद इसको चेक कैसे करना है, इसका जो बेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको वीक पॉइंट कैसे आप चेक करेंगे, ये डैमेज है वीक है। अगर इस दोनों पॉइंट का अंदर 200 से 400 अगर जी आर डिफरेंस आए तो ये क्या होगा, वीक होगा। अगर मान लीजिए ये बेस है और इसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया इसको 200 आया और यहाँ पे लगाया इसको 800 आया, अगर 200 से 400 का डिफरेंस आएंगे तो ये क्या होगा, ये वीक होगा, ठीक है, इसका मतलब पावर कम है। इसके बाद क्या होगा, अगर दोनों पॉइंट पे बी पाए तो ये शॉर्ट, इस दोनों पॉइंट पे बी पाए तो ये मतलब ये शॉर्ट,
शॉर्ट हो गया है, इस दोनों पॉइंट पे अगर बी पाए तो शॉर्ट हो गया है शॉर्ट। अगर तीन पॉइंट पे किसी का पॉइंट का भी क्या कोई वैल्यू नहीं आएंगे तो क्या होगा, इसका ओपन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो। एनपीएन और पीएनपी क्या है, एनपीएन का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट आप रुक दीजिए, इसको क्या कैसे चेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। एनपीएन एनपीएन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पीएनपी। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, अगर आपका मान लीजिए ये बेस है, अगर आपका बेस पॉजिटिव से दोनों क्वांटिटी दिखाई दे रहा है तो मतलब एनपीएन। मैं आप लोगों को और एक बार दिखा दूं, मान लीजिए ये एक ट्रांजिस्टर है और इसको मैंने ऐसे रख के, मतलब रेड प्रोब को ऐसे रख के दोनों पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब एनपीएन, ये एनपीएन होगा, ये पॉजिटिव वाला जो बेस है, बेस पी है, इसके बेस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ये जो बेस है बेस पी है, इसीलिए एनपीएन एनपीएन। ठीक है, एनपीएन अगर इस बेस पे माइनस लगाने पे इसका दोनों कंटेंट दिखाई देंगे, अगर माइनस लगाने से, ब्लैक प्रोब लगाने से दोनों का कंटेंट दिखाई देंगे तो पीएनपी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग एक इसको इसको क्या कर, तो एक डायोड को निकालते हैं, निकालने के बाद इसको और एक बार चेक करते हैं। तो इस डायोड को सबसे पहले निकाल लेते हैं, कहाँ पे है ये डायोड, ये है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका कैसे इसको चेक करना है। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, कल निकालने के बाद देखते हैं मल्टीमीटर मल्टीमीटर में कि इसका कैसे रीडिंग शो करते हैं। तो इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा भी आपको वेट करना है, इसके बाद कल निकालेंगे, इसके बाद चेक करेंगे। बोर्ड पे चेक किया है और बोर्ड के बाहर इसका कैसे वैल्यू चेंज होता है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। और जितना भी ठीक है, तीन टा तो इसको चेक करके देखना है ये क्या सच में काम करता है कि बोर्ड में क्या अलग वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा इधर ऐसे करके इस रेजिस्टेंस को आपको इधर लेकर आएंगे, इसके बाद इसको करेंगे चेक। तो आप देख लीजिए ये डायरेक्ट रेंज पे है, इसके बाद इसको हम करेंगे चेक। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले इसको मैंने इस पॉइंट पे लगाया, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आई, इसके बाद इसको मैंने रिवर्स किया और माइनस को इस पॉइंट पे लगाया, सॉरी माइनस को इस पॉइंट पे लगाया, उसके बाद भी कोई रीडिंग नहीं आई, तो प्लस को मैंने इस पॉइंट पर लगाया, फिर भी कोई
इसका मतलब ये क्या है, ये खराब है। ठीक है, बहुत छोटा है तो बोर्ड पे ही ज़्यादा अच्छा रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को मैंने बोला है तो ऑब्वियसली इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो इस तरह आप इजीली चेक कर सकते हो, मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ दिया है। तो गाइस ये शायद खराब है, हाँ आप देख सकते हो ये सही है। तो इस पॉइंट से सॉरी, हाँ इस पॉइंट से कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब ये बेस है और बहुत ही छोटा है, तो इसका मेजर करना भी बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो ऑब्वियसली इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो पॉइंट, ये बेस है और ये कलेक्टर इमीटर। इसी तरह इस पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का आप चेक कर सकते हो। बेस बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस होगा नेगेटिव तो पीएनपी, अगर आपका बेस होगा पॉजिटिव से आपका बेस दोनों साइड कंटिन्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब एनपीएन, और नेगेटिव के बेस के बाद आपको दोनों साइड कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो मतलब पी एन पी। ठीक है, तो इस मेथड को आपको समझ में रखना है माइंड में। और इसके बाद आप इजीली कोई भी कंटिन्यूटी के बाद आपको जो कोई भी आपको ट्रांजिस्टर इजीली आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिस्टर का पैटर्न कर सकते हो, ट्रांजिस्टर का जो ये प्लस माइनस का जो प्रॉब्लम है आप इजीली इस प्रॉब्लम इसको शो कर सकते हो, दोनों डायोड को मिला के ये ट्रांजिस्टर होता है। तो इसी तरह आप कोई भी ट्रांजिस्टर को इजीली काम में ले सकते हो। तो आई होप तो आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज मिले होंगे। आज का वीडियो यही तक है, मिलता है अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो ऑब्वियसली कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों ऐसे लेटेस्ट और लेटेस्ट टेक न्यूज़ में हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।